दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ पॉलिस्टर क्लॉथ इज 450 एंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्या कह रहा था? कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ ऑफ मीटर ऑफ पॉलिस्टर क्लॉथ इज इतना, तो हम कह रहे हैं अब हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16। देन अब हमारे पता है द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर पॉलिस्टर क्लॉथ कितना है, हमारा कितना दे रखा हमें 450 रुपीज़। ओके रुपीज़ 450। देन द कॉस्ट ऑफ वन क्लो द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लोथ कितना हो जाएगा, 450 × 16 हो जाएगा। सिंपल है, तो भाई एक की इतनी दे रखी, 30 की दे रखी है, तो सॉरी 30 की इतनी दे रखी, सॉरी सॉरी 30। देन एक का निकालना पड़ेगा, एक का। देन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ क्या हो जाएगा, 450 अपॉन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले कर दो 3 और ये आएगा 15। ठीक है, तो हमारा 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी आ रही, 1 मीटर क्लॉथ कितनी आ रही, 15 आ रही, 15। ठीक है, रुपीज़ 15 आ रही, क्योंकि ये देखो 450 था अपॉन 30 आ गया था, 0 से 0 कट गया, और 3 15 जाए कितना होता, 45 होता, तो हमारा कितना है 15। अब कॉस्ट हमें कितनी निकाल, 16। एंड देन द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 15 × 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 × 16। अब देखो 16 × 15, 5 6 जै 30, 5 1 जै 5 और 3 8, 1 6 जै 6, 1 1 जै 1, 0 8 और 6 कितना होता, 14 और ये 2, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 240, कितना आ जाएगा रुपीज़ 240 रुपीज़। ठीक है।